मतलब बेशक वो आपसे काफी जूनियर थे, तो अपने ताल्लुक के ऊपर अगर थोड़ी सी आप रोशनी डालना चाहें उनके साथ। नहीं नहीं, जूनियर नहीं थे, जूनियर सीनियर नहीं होते अखबार में, कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट होते हैं, मुतहर्रक और गैर मुतहर्रक होते हैं। मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक था, अगरचे अब बहुत कम मुलाकात होती थी, इसलिए कि हम शहर के दो मुख्तलिफ इलाक़ों में रहते थे, 25 किलोमीटर का फासला था, वो भी मसरूफ़ रहते थे और हम भी अब कोई ज़्यादा घर से नहीं निकलते थे, लेकिन जितनी भी यादें हैं सब खुशगवार हैं। बहुत अच्छे मेज़बान थे, बहुत फोकस्ड आदमी थे, बेहद मेहनती थे। उनकी एक कुछ नादर खसूसियात थी जो इस माशरे में नहीं होती। बर्रे सगीर के माशरे में एहसास कमतरी बहुत होता है, एहसास में तहफ़ बहुत होता है, उनमें नहीं था। और वो जल्दी की राय कायम करने में ताजील नहीं करते थे। अब आमतौर पर यह होता है कि दो बहस हो रही हो, दो आइडियाज़ हों, या फिर इसके ये तीन हों और दो मुख्तलिफ तीन आरा हों, तो उनमें से एक को ज़रूर आदमी मुंतखब कर लेता है। लेकिन वो सुनते रहते थे, बहुत ही वो खामोश तबा आदमी थे, जिन्होंने टेलीविज़न पर उन्हें देखा है, जिन लोगों ने, वो नहीं समझ सकते उन्हें कभी भी। वो बात करते ही नहीं थे, सोचते रहते थे और काम करते रहते थे। वो मुसलसल ख़ुद को मसरूफ़ रखते थे, एक कमाल ज़िद के साथ, एक पूरे अज़्म के साथ वो मामले को पूरी तरह खंगालते थे। नवाज शरीफ ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहद FIA मुहैया नहीं कर सके, वो उन्होंने मुहैया कर दिया। और मुमकिन है वैसे तो FIA के सोर्स ने भी उनकी मदद की हो, या भाई अखबार नवीसों के अपने सोर्स होते हैं। और वो बहुत ही यानी गहरे गौर व फिक्र के आदमी थे। देखिए एक क्लास थी, जैसे अबुल कलाम भी थे तो अखबार नवीस यानी पेशे के अतबार से सैयद अबुल्ला मौदूदी भी थे, और मोहम्मद अली जौहर तो थे ही, अखबार नवीस हमीद निज़ामी थे, और दीवान सिंह मफ्तून थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। लेकिन ये एक दूसरी तरह के अखबार में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसमें इनका पाया बहुत बुलंद है। दुनिया में बहुत कम ऐसे अखबार नवीस होंगे जो यानी तहकीकती सहाफ़त में जिन्होंने इस कदर रियाजत की हो, ऐसी मुस्तकिल मिजाजी का भी और ऐसी बेखौफी का मुजाहरा भी किया हो। तो वो अपना मुनफरद आदमी थे, महबूब खलायक वो इसलिए भी थे, एक तो ये कि उनके कारनामे, एक ये को बहुत खुशतबा आदमी थे। अब कुछ जाहिर है दबाव का शिकार थे, कभी अब तो कभी कभी गुस्से में भी आ जाते थे, लेकिन एक ज़माने तक हमने देखा कि वो हल्का सा तंज चाहे कर दें अगर कोई तंग करे, वरना वो गुस्से में भी नहीं आते थे। और मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, तो एक दोस्त ने उनसे कहा, मशहूर आदमी, नाम नहीं लेता और उनका, मैं शायद उन्होंने वैसे तो टेलीविज़न पे तो बता ही दिया, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी कर लूँ, उन्होंने कहा न करें। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने, हाँ, दूसरी शादी कर ली फिर उसके बाद उसने, अरशद शरीफ साहब ने, तो वो जाके उन्होंने झगड़ा किया उनसे, मुझे मना किया और ख़ुद कर ली। उन्होंने कहा जिसने करनी वो पूछता नहीं है जी। वो एक यानी अजीब कम्बिनेशन था रोमांटिसिज्म का और अमलियत पसंदी का, आइडियलिस्ट भी थे, रोमांटिक भी थे, और प्रैक्टिकल भी, प्रैग्मेटिक भी बहुत थे, और बड़ी उनकी ज़ात में यकसुई थी। ऐसा लगता था कि उनकी तरबियत बहुत अच्छे माहौल में हुई है, और बड़ा मुस्तहकम एक मोतदिल मिजाज था उनका। और वो देखिए वो जब हवाला देते हैं बाद अवकात, तो मंटो का देते हैं, फैजान फैज़ का देते हैं, अहमद फराज का देते हैं, लेकिन वो इससे लगता है कि वो सेकुलर नहीं थे, वो एक ख़ास यानी वो सेकुलर नहीं थे जो ताईद गैबी नहीं चाहता, अल्लाह की मदद नहीं चाहता। उनके बेटे ने तलावत की ना उनके मज़ार पे, सूरह रहमान पढ़ी, और वो ख़ुद भी बड़ा यकीन रखते थे, मगर वो अपनी मजहबियत का इज़हार नहीं करते थे। उनकी बहादुरी, ये तो सब हर अखबार नवीस जानता है कि ख़तरनाक माफिया, इसके नामों का नाम आप आश्कार नहीं कर सकते। आप सियासतदानों पर तनकीद कर सकते हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट पर कर सकते हैं, उसमें बाज़ एहतियाते हैं, लेकिन ये तो वो तो दो तरह के लोगों को, एक जो लोग उनके राज आश्कार करें और एक उनके मुखबर, उनको हमेशा वो कत्ल कर देते हैं। अरबों खरबों रुपये का एक तो कारोबार होता है, होता ना जायज़ है, फिर ये कि उसका इन्हिसार ही राजदारी पर होता है। तो वो देखे ना अफ्रीका तक पहुँचे, वो लोगों का ख्याल है पनाह लेने के लिए पहुँचे, वो तो कहीं उनको अफ्रीका के जंगल में छोड़ते वहाँ भी जर्नलिज्म करते हैं। जब उन्होंने अपना शीरी मजारी से कहा कि कातिल मेरे ताकुब में है, तो उन्होंने वी ला करना नहीं छोड़ा। शीरी मजारी ने कहा
कि तो आप पहचान लिए जाएंगे पस मंज़र से, यानी कोई बहुत सब्ज़ा होता था पस मंज़र में, तो इसके बावजूद वो नहीं रुके। तो ये जो उनकी थी बहादुरी, वो महमजोई तक पहुंचती थी। और एक काज था उनका कि भाई हकायक को बेनकाब के जो सच्चाई के मतलाशी एक आदमी था वो, तो यही उसकी वजह है। अरशद शरीफ साहब की लेगेसी तो आज ऐलान हो गया कि उनकी याद में यूनिवर्सिटी बनेगी। और आप अंदाज़ा करें, वो गुलबुद्दीन हिकमत यार से मैंने पूछा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, ए फ्यू स्टूडेंट्स 10-12 तालिबे इल्म, और उन्होंने एक इतने बड़े इनकलाब की बुनियाद रखी, बादशाहत के ख़िलाफ़ बगावत की, फिर रूसियों से लड़े, फिर अमरीकियों से लड़े। तो उसने कहा अफगानिस्तान के सबक वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि जमालुद्दीन अफगानी का मज़ार था काबुल यूनिवर्सिटी, हम उससे इंस्पायर होते थे। तो वो तो अरशद शरीफ का साया बहुत दराज है पाकिस्तान की तारीख पे। यूनिवर्सिटी बनेगी उसमें कोई स्टूडेंट उनका रोल मॉडल अरशद शरीफ होगा, और भी रोल मॉडल होने चाहिए। सलाहुद्दीन है, मौला जफर अली खां हैं, मौला मोहम्मद अली जौहर हैं, और बहुत से लोग हैं। उनकी रियाजत, उनकी सच्चाई की तलाश और मुस्तकिल मिजाजी, बेखौफी, तो ये देखिए ऐसा आदमी कभी नहीं मरता। वो उनका साया मुद्दतों के लिए अशरों शायद सदियों तक दराज हो जाए।